राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है 5 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा पर आधारित प्रेरक ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला उमंग। इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं कार्यक्रम राजा बड़ा या विक्रमादित्य। बच्चों आओ सुनो कहानी, एक राजा था अभिमानी। बच्चों आओ सुनो कहानी, एक राजा था अभिमानी। हरदम वो ये सोचा करता, बनूं मैं कैसे दानी ज्ञानी। हरदम वो ये सोचा करता, बनूं मैं कैसे दानी ज्ञानी। बच्चों आओ सुनो कहानी, एक राजा था अभिमानी। हरदम वो ये सोचा करता, बनूं मैं कैसे दानी ज्ञानी। हरदम वो ये सोचा करता, बनूं मैं कैसे दानी ज्ञानी। बच्चों आओ सुनो कहानी, एक राजा था अभिमानी। एक राजा था, वह बड़ा अभिमानी और सनकी था। एक बार उसने विक्रमादित्य बनने की सोची। मंत्री को बुलाकर कहा, राज्य के हर गांव हर शहर में कुएं और धर्मशालाएं बनवा दो, ठंडे पानी का प्याऊ लगवा दो। मंत्री ने जगह जगह कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई। आकर राजा से कहा, महाराज काम पूरा हो गया। अगले दिन राजा वेश बदलकर घूमने निकला। जहां जाता वहीं पूछता, राजा बड़ा या विक्रमादित्य। हर कोई नाक चढ़ाकर जवाब देता, कहां राजा कहां विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के राज्य में तो लोग कुओं में लोटा डालते तो शरबत निकलता था। राजा दरबार में आकर मंत्री से बोला, राज्य के सभी कुओं में चीनी डलवा दो। मंत्री ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन राजा फिर वेश बदलकर घूमने निकला। जहां जाता वहीं पूछता, राजा बड़ा या विक्रमादित्य। हर कोई कहता, कहां राजा कहां विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के राज में तो सोने के सिक्के बांटे जाते थे। राजा ने दरबार में लौटकर मंत्री को आज्ञा दी, शाही खजाने से पूरे राज्य में सोने के सिक्के बंटवा दो। मंत्री ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन राजा वेश बदलकर राज्य में घूमने निकला। जहां जाता वहीं पूछता, राजा बड़ा या विक्रमादित्य। हर कोई जवाब देता, कहां राजा कहां विक्रमादित्य। राजा इस बात से बहुत दुखी हो गया।
जब वह घूमते घूमते थक गया तो एक तालाब के किनारे बैठकर आराम करने लगा। तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे, चिड़िया चहचहा रही थी। राजा को पता नहीं कब नींद लग गई, वह सो गया। जब नींद खुली तो अंधेरा हो चुका था। वह घोड़े पर सवार होकर अपने महल को वापस जा रहा था। कुछ दूर जाने पर उसे बहुत दूर से रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा, एक बुढ़िया रो रही थी। उसका एक पांव टूटा हुआ था, वह गिर गई थी। राजा ने उसे सहारा देकर उठाया, उसके पैर में कपड़ा लपेटकर अपने कंधे पर उठाकर घोड़े पर चढ़ाया और शाही दवाखाने में ले आया। जब वह बुढ़िया को ला रहा था, बुढ़िया ने कहा, सुना था राजा विक्रमादित्य के राज्य में सब दुखियों की सेवा करते थे, बड़ा न्याय होता था, कोई छोटा बड़ा नहीं था। अब राजा के मन में बुढ़िया की बात बैठ गई। दूसरे दिन राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया, दीन दुखियों की सेवा का राज्य में निशुल्क पूरा प्रबंध करो। मंत्रियों ने ऐसा ही किया। अब राजा जब राज्य में घूमने निकलता तो लोग चारों ओर राजा की जय जयकार करते। बच्चों मानो मेरा कहना, बच्चों मानो मेरा कहना, दीन दुखी की सेवा करना, दीन दुखी की सेवा करना, जो दुखियों की सेवा कर दे, जो दुखियों की सेवा कर दे, जीवन खुशियों से है भरते, जीवन खुशियों से है भरते, बच्चों मानो मेरा कहना, बच्चों मानो मेरा कहना। राजा बड़ा या विक्रमादित्य। उमंग श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन तथा आलेख प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर राजश्री त्रिवेदी, ध्वन्यांकन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।